जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा खतरनाक प्रचंड वशीकरण जो आपको शमशान घाट में बैठकर करना होगा, लेकिन जिसकी वजह से आपकी प्रेमिका चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चली गई हो, चाहे उसके ऊपर किसी भी चीज की वजह से असर हुआ हो, सिचुएशन की वजह से, या उसके माता पिता ने उसको मना किया हो या उसके दोस्तों ने उसको मना किया हो, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ से चली गई, आपको धोखा देके चली गई, या फिर उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन वो आपके पास वापस आ जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक प्रचंड वशीकरण है। इसे आप सिर्फ तभी करें जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो। सच में अगर आप उसे पाना चाहते हैं, सच में अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाए, सिर्फ तभी आपको ये उपाय करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि पूरी तरह से असर दिखाती हैं, और आप इसे जिसके ऊपर भी करेंगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ तभी करें जब आप किसी से सच में प्यार करते हो, सच में चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए और आपको खुद कॉल करे, सामने से आपके नंबर पे उसके नाम का मैसेज आए, वो आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाए, इस तरह का ये उपाय है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस उपाय को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको आटे के दो पुतले बनाने होंगे, एक पुतला आपका और एक पुतला आपकी प्रेमिका का। इस उपाय को आपको खुले आसमान के नीचे करना है, घर के अंदर बैठकर इस उपाय को बिल्कुल ना करें। ये उपाय आपको शमशान की भूमि पे जाकर करना होगा। शमशान की भूमि पे खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं और उसके बाद अपने सामने ये दोनों पुतलों को रख दें। गुंजा के मोती, जैसा कि गुंजा की माला भी मिलती है और इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में किया जाता है, तो आप गुंजा के जो मोती हैं उनकी उनको ले लें। 108 मोतियों की जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे दाने होते हैं वो आपको लेने हैं, और इस आटे के पुतले में जिसमें आपने प्रेमिका का नाम रखा है, दोनों में से एक में आप प्रेमिका को बनाइए, एक में अपने आप को बनाइए, और प्रेमिका वाले पुतले में आप ये सारे मोती अंदर चिपका दीजिए, सामने से वो दिखाई देते रहेंगे। अब आपको लेना है एक पीले रंग का नींबू, और पीले रंग का नींबू वहां पर दोनों पुतलों के बीच में रख देना है। नींबू के ऊपर आपको एक लौंग गाड़ देनी है, और नींबू के ऊपर अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है लाल रंग के पेन से। अब नींबू को वहां रखने के बाद आपको सिंदूर और हल्दी का इस्तेमाल करना है। सिंदूर और हल्दी का इस्तेमाल आपको इस तरह से करना है कि आपको 108 बार एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, और जितनी बार आप मंत्र पढ़ेंगे उतनी बार आपको सिंदूर और हल्दी पुतलों के ऊपर छिड़कनी होगी। तो जैसे ही आपने एक बार मंत्र पढ़ा, आपको सिंदूर और हल्दी दोनों उस पे डाल देनी है। दोनों पुतलों के ऊपर सिंदूर और हल्दी जानी चाहिए, इस तरह से आपको उनके ऊपर छिड़कनी है। बीच में रखा होगा नींबू, तो नींबू के ऊपर भी सिंदूर और हल्दी पूरी तरह से जाएगी। मंत्र है ओम कामाख्या अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामाख्या अमुकम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें अमुकम की जगह पर आपको अपनी प्रेमिका का नाम लेना है। तो मान लीजिए प्रेमिका का नाम अगर है सरिता, तो आपको बोलना है ओम कामाख्या सरिता वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको बोलना है 108 बार, और 108 बार आपको हल्दी और सिंदूर उसके ऊपर छिड़क देना है। अंत में आपको क्या करना है कि जो अपना पुतला आपने बनाया था वो पुतला अपने हाथ में ले लेना है, और जो लड़की वाला पुतला है उसे आपको जमीन पे ही रखे रहने देना है। नींबू को बीच में से उठाना है, और उसके बाद लड़की वाले पुतले के बीच में पेट पर आपको उसे दबा देना है। ये गीले आटे से पुतला बनाया होगा, तो नींबू उसके ऊपर ऐसे चिपका देना है। अब जो लड़के वाला पुतला है उसको आपको लड़की वाले पुतले के ऊपर इस तरह से चिपकाना है, और 11 बार फिर से आपको कामाख्या देवी का मंत्र बोलना है। 11 बार मंत्र बोलने के बाद आपको दोनों
जो आटे के पुतले थे उनको अच्छे से मिला देना है। इस तरह से मिलाना है कि नींबू बीच में रहे और दोनों पुतले आपस में मिल जाएं और उनका एक गोला बना लेना है। गोला बनाने के बाद आपको उसी शमशान में छोटा सा गड्ढा खोदकर उस आटे के गोले को वहां पर दबा देना है और ऊपर से मिट्टी ढक देनी है। आपने जो कपड़े वहां पर पहने हुए हैं वो कपड़े पहनकर ही आपको वहां से निकलना है, लेकिन उससे पहले आपके पास पानी का कोई लोटा या गिलास होना चाहिए, उसको आपको अपने ऊपर छिड़कना है और उसके बाद वहां से निकलना है। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, तो आप विधि शुरू करने से पहले ही अपने पास पानी का कोई लोटा या गिलास रख लें और उसके बाद जब आप वहां से निकलें शमशान से तो आप अपने ऊपर पानी को छिड़क के उसके बाद बाहर निकलें। और इस विधि को करने से दोस्तों आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपकी प्रेमिका खुद आपको कॉल करेगी, आपसे मिलने के लिए समय मांगेगी और वो आपकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो आप इस विधि को करके देखें दोस्तों, ये बहुत ही प्रचंड विधि है, इसका कोई काट नहीं है और इसका फल तुरंत मिलता है। तो अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें, हम आपको ये विधि करके देंगे। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।